हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे और आलू की मिक्स पूड़ियाँ। ये मैंने तीन आलू ले लिया है, दो कटोरी आटे ले लिया है। इसमें क्या क्या चाहिए डालने के लिए, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच जीरा, धनिया, अदरक लहसुन, मिर्च का पेस्ट बनाना है, नमक स्वाद अनुसार। मैं आलू को उबाल लेती हूँ, पहले इसको उबाल लेती हूँ तो बताएंगे। ये मैंने आलू को उबाल लिया है, इसको मैं छीलूंगी। इसको ऐसे छील लेते हैं। ये आलू को मैंने छील लिया है, इसको मैं कद्दूकस करूंगी। और ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैं आटा को छान लेती हूँ। आटे को मैं चाल चुकी हूँ, इस पर अब मैं ये आलू को कद्दूकस करूंगी। ये मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है आटे में। इसमें क्या क्या मिलाना है, ये आधा चम्मच जीरा अजवाइन है, ये आधा चम्मच जीरा है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ये धनिया है, स्वाद अनुसार नमक, जितना आपको बहुत पसंद हो उतना डाल सकते हैं। इसको हाथ से मिला दीजिए। पहले इसको मिला दीजिए, पानी नहीं डालना नहीं तो गीला हो जाएगा। पहले इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए ऐसे, ताकि ये गीला ना हो। यहाँ मैंने अच्छी तरह इसको मिला लिया है। अगर आपको मिर्च ज्यादा पसंद है तो इसको काट के भी डाल सकते हो। ये जरा सा पानी डालकर इसको गूंथ लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, नहीं तो गीला हो जाता है। इसमें आलू मिला हुआ है, आलू की वजह से गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए इसमें। ये मैंने आटे को गूंथ लिया है, देखिए कितना अच्छा गूंथा हुआ है। इसको अब हम पूड़ियां बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी हूँ, अब ये गर्म हो चुका है। मैंने पहले से 2 मिनट पहले से ही रख चुकी हूँ। इसमें मैं तेल डालूंगी, इसको 1 मिनट के लिए गर्म होने दें। ये मैंने तेल डाल चुकी हूँ, ये रिफाइंड तेल में तलूंगी मैं। इसे छोटी छोटी लोइयां बना लें। इसे हम बेल लेंगे, हल्के हाथों से बेलना है। हल्के हाथों से बेलेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छी तरह से बेल जाएगा। ऐसे ही सारी लोइयों को बेल लेना है हल्के हाथों से। उसके बाद हम तलेंगे। देखिए मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। इसको चेक करने के लिए ये हम डालेंगे थोड़े से लोई। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, नहीं है। देखिए अब हम इसमें पूड़ियाँ डाल देंगे तलने के लिए। इसको ऐसे चला, ये अच्छी तरह से उसको ऐसे घुमाते रहिए। देखिए हमारी पूरी कैसे फूल रही है। ये दूसरी तरफ पलट दीजिए। इसको निकाल लीजिए, अच्छी तरह तेल बाहर कर लीजिए। देखिए मेरा पूरी निकल गया है। इसी तरह दूसरा डालेंगे। इसको भी ऐसे चलाते रहिए ताकि ये भी अच्छी तरह से फूल जाए। ऐसे ही सारी पूड़ियों को हम तल लेंगे। ऐसे चलाते रहिए, अरे फूल जाए। ये मेरी पूड़ियां तल के तैयार हो गई है। इसको गीली सब्जी या सूखी सब्जी से आप खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छी लग रही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।